खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में सौरभ, आस्था और विशाल को एक बार फिर मिल रहा है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक गोल्डन मौका शो के अंदर री एंट्री करने का, यानी कि वाइल्ड कार्ड एंड कंटेस्टेंट्स के तौर पर एक बार फिर से इनकी कराई जा रही है री एंट्री। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर और इस लेटेस्ट नए प्रोमो को देखकर आप भी कीजिए इस वीडियो को एंजॉय। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में अब तक विशाल, सौरभ और आस्था अब तक इस शो से किसी और कंटेस्टेंट की वजह से एलिमिनेट हुए थे और एलिमिनेशन के शिकार हुए थे, लेकिन अब रोहित शेट्टी ने इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स को दिया है मौका। और वेल, ये तीन कंटेस्टेंट्स वाकई डिजर्विंग है, क्योंकि जहां इन तीनों की एक बार एग्जिट हुई थी, सभी के सभी फैंस ने वेल इनकी री एंट्री के लिए अलग सा होड़ चला दिया था। अब ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि सौरभ, विशाल और आस्था गिल की री एंट्री, यानी कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर री एंट्री पर देखना इनके लिए बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये तीनों कंटेस्टेंट्स एक बार फिर अपने स्टंट्स परफॉर्मेंसेस की वजह से फैंस का दिल जीतने के लिए वापसी कर रहे हैं। हालांकि फैंस ने जब से ये खुशखबरी सुनी है तब से वेल काफी एक्साइटेड हैं। सो फिलहाल इनका नया प्रोमो भी आउट हो चुका है, जिसमें विशाल, सौरभ और आस्था की री एंट्री दिखाई जा रही है। सो वेल गाइस, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इन तीनों कंटेस्टेंट्स की री एंट्री होगी और ये तीन कंटेस्टेंट फिर से करेंगे परफॉर्म। सो वेल, आर यू ऑल एक्साइटेड और नॉट? सौरभ, आस्था और वेल विशाल को एक बार फिर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में खतरों का सामना करते हुए देखने के लिए वेल अपने रिएक्शंस हमारे साथ शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।